आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के डेट में जो भारत सबसे ज्यादा जूझ रहा है वो किसे जूझ रहा है, तो कोविड-19, जिसको नाम दी किसका नाम दिया गया है, कोरोना वायरस को जो है वो नाम दिया गया है। और आज के डेट में अगर वर्तमान की बात करें, पहले मैं बोल दूं, दो माध्यम से आप सहायता कर सकते हो, गरीब मजदूर। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भगवान देखेंगे अच्छे कर्म करते हैं, तो यही टाइम है। और मानकर चलना भगवान आप सभी को जो है वो देख रहे हैं, ये मौका है आप सभी के सामने। जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2, 50 हजार दो, आप 5-10 रुपए भी दे सकते हैं, बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है। और दो माध्यम है हेल्प करने का, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो दो माध्यम है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें, इंडिया में अभी प्रेजेंट एक डाटा के अनुसार 35 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो रोज कमाते हैं, रोज अपना परिवार चलाते हैं उस पैसे से, ठेला वाला, पुचका वाला, मजदूर, लेबर, आप कुछ भी देख लो, 35 करोड़ लोग ऐसे हैं आज के डेट में। अच्छे अच्छे लोग जिनके पास पैसा है वो भी घर से नहीं निकल पा रहे, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप सोचो वो कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। एक बार फील करो और अपने आप को एक बार वहां पर रख कर देखो कंडीशन कैसा है। बैंक बैलेंस नहीं है, परिवार चलाना है, हमारा जो डेली का रोजगार है वो भी नहीं चल पा रहा है, क्या करें। सोचो कैसे घर चल रहा होगा, कितने टेंशन में। एक बार फील करो, आंख बंद कर आप फील कर पाओगे। मेरे हम लोग एक्चुअल क्या है, आप जो भी देखते हैं कि भैया ऑनलाइन इतना पैसा कमाते हैं, और उनका खुद का एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एक्चुअल में हम लोग भी जो है एक समय बहुत नीचे स्तर से उठे हुए हैं। आप सभी स्टोरी मेरा सुने भी होंगे, एक समय ऐसा भी था कि मेरे पापा बिचाली काटते थे, बिचाली समझते हैं ना, वो पुआल, वो वहां से हमारे सामने, जब उस समय मैं बहुत बच्चा था, 2-3 साल का, हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, मम्मी हॉस्पिटल के बेड पर, डिस्चार्ज कराने का पैसा नहीं था, लेकिन वहां से उठने के बाद, पापा का रेलवे में जॉब लगने के बाद, फिर यहां से यहां बहुत मुश्किल से सफर तय किए हैं। तो उस कंडीशन को हम सभी फील कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है, दोस्त लोग भी बोल रहे थे कि शो ऑफ कर रहा है, इतना पैसा क्यों देना है, लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूं, जो दिया गया है, जो भी मेरे पास है, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकते हैं। आप एक बार कंडीशन को फिल करना जो इस दौर से गुजर रहे हैं आज के डेट में, आप दो सहायता करना। एक तो पहले आप देख लो डिटेल, यहां पर देख पाओगे आप सभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां से मैंने 1 लाख सेंड किया, क्योंकि स्टेट बैंक SBI का लिमिट जो है वो 1 लाख ही है फोन पे में, ठीक है। अगला स्लाइड में आप और नीचे आप देख लेना 4 डिजिट का लास्ट का बैंक अकाउंट जहां से ट्रांजेक्शन हुआ है। अगले स्लाइड में देखो हमारे बैंक अकाउंट का डिटेल। अब मुझे मत सेंड करने लगिएगा आप सभी, ठीक है ना, मुझे। अब देखो बहुत जन बोलेंगे भैया शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा शो ऑफ आप सभी को भी करना है इस टाइम पर, क्योंकि आप सभी देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस, आपको आप कैसे कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आपको 1,50,000, 10,000 भेजना है, आप 5-10 रुपए भी जो है वो सेंड कर सकते हैं, 5 रुपए भी, कैसे करने बताते हैं। पहला तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप प्लीज प्लीज बोल रहे हैं, आप कम से कम ये कंट्रीब्यूट जरूर करना, ये डोनेट करना, सोचना मत घर में, वरना वही बात हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा बड़ा बड़े पाव खाते हैं, वही बात हो जाएगी। जब सेवा करने का समय आता है, नहीं आता है, तो बोलते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, गरीब को ये करेंगे, हम ये होंगे। आपके पास 5 रुपया है, 5 ही रुपया सेंड करिए, ठीक है, 10 ही रुपया सेंड करिए, बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। या फिर अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं गांव में है, आपके घर के अगल बगल, जरूर मैं बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं, हर एक सोसाइटी में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका डेली के रोजगार के ऊपर जो है वो पूरा उनका घर डिपेंड था। तो आप इतने बड़े तो हैं, इतने सक्षम तो है, 2-3 दोस्त फोन पर बात करिए, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करिए और उनके परिवार को जाकर दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रधानमंत्री कोष में भेजना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे तो बेहतरीन तरीका हमें सेकेंड वाला लग रहा है। अगर सब इंसान अपने अपने सोसाइटी में ये काम करे ना, सब इंसान अपने अपने सोसाइटी में ये काम करे, जहां पर आप रहते हैं, आप ये देखो कि वो इंसान अगर डेली जो टोटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है, खुशी मिलेगा, ये रियल खुशी होता है, ये रियल आप फील कर पाओगे सच में। आप एक बार मेरा विश्वास कर आप करना एक काम,
अगर आप पैसा नहीं सेंड कर पा रहे, मान लो पैसा सेंड कर दिए, खुशी कहीं ना कहीं मिलेगा, उससे डबल खुशी, उससे डबल खुशी आपको तब मिलेगा ना, एक बार अपने फोन पर अपने दोस्त से बात करो, दो तीन दोस्त से, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करिएगा, और सैनिटाइजर वगैरह ये सब पहन कर जाइएगा, दो तीन दोस्त को बात करो, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करो, और अपने सोसाइटी में एक बार पता लगाओ कि डेली जो है वो कितने लोग ऐसे हैं जो डेली रोजगार करते हैं, डेली के ऊपर डिपेंड है, कितने पुचके वाले मिल जाएंगे, ठीक है, कितने सारे ऑटो ड्राइवर रिक्शा वाले मिल जाएंगे, उनको मान लो दो परिवार को आप करते हैं ना, बहुत खुशी मिलेगा, खुशी मिलेगा, रियल खुशी, वो होता है रियल खुशी, आप जो फील कर पाओगे। ऐसे तो बहुत पैसा उड़ा देते हैं आप सिगरेट में, इसमें उसमें, लेकिन ये काम करने के बाद रियल में थोड़ा खुशी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आप भगवान से नजर मिला पाएंगे, प्राउडली बोल पाएंगे कि भगवान हमने आज अच्छा काम किया है। तो ये काम कम से कम आप सभी करिएगा, ठीक है। बहुत जन बोलने वाले बोलेंगे भैया शो ऑफ कर रहे हैं, पैसा इतना दे रहे हैं। देखो बोलने वाला बोलेगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं, जब से मैंने चैनल बनाया है आपने मेरा बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो देखा होगा, कितने सारे कमेंट्स आपने पढ़ा होगा कि भैया आपके मोटिवेशन से मेरा लाइफ चेंज हो गया है और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, कितना सारा कमेंट्स भरा भरा पड़ा है, जितने भी मोटिवेशन वीडियो है, ठीक है, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, देखा है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप सभी को, रियल खुशी यही है, आपको फील करना है, भगवान से आप आंख मिला पाओगे, प्राउडली बोल पाओगे हमने आज एक अच्छा काम किया है अपने जिंदगी में। तो ये काम कम से कम आप सभी को करना है, आज आज करना है, वरना लोग बोलेंगे, लोग बोलने वाले बोलेंगे। मैं हमेशा से क्या बोलता हूं आप सभी को कि अगर मैं एक डाटा आप सभी को समझाऊं, नॉर्मली आप समझ लो, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर 100 लोग हैं जो अपने सपने को पाल रहे हैं, एक ड्रीम देख रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उसमें से 100 में से ना 80 लोग जो है बीच में रास्ते में ही छोड़ देते हैं अपना सपने को। क्यों छोड़ देते हैं? बस एक चीज सोचकर, और ये सच्चाई है, अपने जिंदगी में आप अपना लेना, सच बोल रहा हूं। 80% लोग क्यों भैया अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, बीच में स्टार्ट तो करते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो आधे से 80% लोग जो है बस ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, बस वहीं पर उनका सपना जो है वो मर जाता है, अपने सपने का जो है वो सुसाइड कर देते हैं, यही जहां उनके दिमाग में आ गए ना लोग क्या बोलेंगे, बस उनका सपना वहीं पर खत्म। और 20% वो लोग जो होते हैं जिनको जो करना है अपने शिद्दत के साथ 100% फोकस के साथ वो करते हैं, वो नहीं सोचते हैं। तो आज के डेट में ना कौन क्या बोलता है, अगर मान लो ना अगर आप करोगे भी ना, आप बाहर निकलेंगे भी ना, 10 लोग जो हैं वो बोलेंगे आप सभी को, दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं, देखो ये कर रहा है, छोड़ो यार लोग बोलेंगे, बोलने दो, आपको ये काम करना है। किस लिए करना है भैया? नाम के लिए नहीं, रियल खुशी फील होगा, सच में फील होगा खुशी। आपको मैं दिखाता हूं आपको कैसे कर सकते हो। पहला आइडिया तो मैंने आपको बता दिया है, आपके सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वहां पर आपको कम से कम 10 लोग मिल जाएंगे जो डेली रोजगार के ऊपर डिपेंड थे, तो उनका सहायता कैसे करना मैंने आपको बता दिया। दूसरा आप ये देखो, जितने भी मेरे भाई बहन है, फोन पे आज के डेट में सभी के पास है, बहुत बड़ा वैलेट बन चुका है हमारे देश में, तो फोन पे से आप कैसे कर सकते हैं, और मैं ये भी दिखा रहा हूं अभी तक फोन पे के माध्यम से कितना हेल्प हो चुका है, वो भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, तो आप एक बार ये भी देख लेना। और एक बात, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर मान लो ना इस वीडियो से अगर 100 रुपए कर भी 1000 स्टूडेंट देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है ये डाटा जो है 1000 नहीं 2 से 3 हजार पक्का जाएगा। और 1000 लोग भी देते हैं 100 रुपए कर तो कितना हो जाता है? 1 लाख हो जाता है। सोच रहे हैं आपका 100 रुपया कितना बन गया? 1 लाख बन गया। आप ये चीज समझिए ना, तो घबराओ मत। और फोन पे में ये भी ऑप्शन है, आप 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया जो है आपके पास वो करो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताओ, उनको भी बताओ यार रेलवे का फॉर्म फिलअप किए हैं कितने लोग? 2 करोड़ लोग, 2 करोड़। अगर 2 करोड़ लोग 500 रुपये दिए हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, खुशी पाने के लिए, यहाँ पर रियल खुशी है। अगर आप सभी, अगर मान लो ना अगर आप 10 रुपये भी एक इंसान दे देता है ना, तो 20 करोड़ रुपए बहुत मायने रखता है, बहुत सारे घर में जो है, समझ रहे हैं ना। तो ये काम कम से कम आपको करना है। अब वीडियो देखो आपको पेमेंट करना कैसे, करिएगा जरूर, वीडियो को इग्नोर मत करिएगा आप सभी, ठीक है।
आपको अपने फ़ोन में फ़ोन पे खोलना पड़ेगा। फ़ोन पे जैसे ही ओपन करते हैं ये वैलेट, ओपन करने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप देख पाओगे नीचे में यहाँ पर दिया है क्लिक टू डोनेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी, क्लिक करने के बाद आपके पास खुलने दीजिए एक मिनट, ये वाला पेज जो है वो आप सभी के सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद आप नीचे में देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए अभी तक जो पेमेंट आ चुका है फ़ोनपे के पास, आप यहाँ पर देख पाएंगे 641,351 लोगों ने पेमेंट किया है अभी तक, कंट्रीब्यूट किया है। और टोटल पेमेंट अभी तक कितना जो है वो प्रधानमंत्री के जो आपका फंड उसमें जा गया है तो 16,82,711 रुपये। तो आप सभी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा डोनेट, आप डोनेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी के सामने ये पेज आ जाएगा। आप पेमेंट कर सकते हैं इंटर अमाउंट, स्टेट बैंक, किसी भी आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी पेमेंट है आप जो है वो बिना किसी डाउट के जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है हर एक भाई बहन कम से कम 5 रुपये, 10 रुपये जो जितना आपका इच्छा करता है उतना करो। क्योंकि आप ये सोचना अगर 1 रुपये भी करते हैं ना तो 1 रुपये जो है वो उस गरीब के घर में जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है।